तुम भिखारी हो ना? Seriously? वो तोड़ जाएगा या बता दे तुम्हें? दस रुपया दे दिया तूने। ऐडा तू तो डर है? आहो। ऐसा डर है। ला भाई ला। Oh no! नहीं ठीक है सही है ये तो हो हेलो सरकार है ठीक है आईफोन कितने को ले आई मान गया तूने क्या हुआ तुम्हें ठीक है हाँ बेबी तुमने कहा था हाइटी पे जाना तो मैं पैसे पे जा रहा हूँ ये पैसे मेंटल हॉस्पिटल इसका इलाज के मैं आपको मैं बता रही हूँ दस रुपए टिप मांग रहा था ये दस रुपए सीरियसली 10 रुपीज अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिलाना ओ यार जाओ काम करो क्या कह रहे हो अरे तुम्हें नहीं पता आज मैं फकीर बना हुआ हूँ लोगों से पैसे मांगेंगे ओ हाँ, मैं भी तो इसमें साथ हूँ तुम्हारे हाँ सो गाइस वीडियो देखते हैं ट्रेलर तो आपने देख ही लिया है एट द एंड यार लाइक करो सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज अरसलान ताहिर अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ के शौकीन हो तो दिस हॉरर सीरीज़ जस्ट फॉर यू जाए छलावा को देखें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत ज़बरदस्त लड़कों ने एफर्ट की है जाए पाकिस्तानी टैलेंट को सपोर्ट करें और लाइक करें कमेंट करें और मैक्सिमम छलावा को शेयर करें माफ करो अल्लाह माफ करे आपने कौन सी गलती कर दी अच्छे भले तो जाके काम कर धंधा करो कुछ मांग क्यों रहे जी यानी लोगों की मुझे समझ नहीं आती है यानी कि बिल्कुल फिट हो तुम क्यों मांग रहे हो क्यों नहीं रहता हम भी तो काम करते हैं आप भी काम किया करें आप थोड़ी हैं आप तो माशाल्लाह अच्छे खासे हैंडसम हैं हमारे पास वैसे पैसे नहीं है आपके पास हैं तो प्लीज आप हमें मेरे पास अगर होते तो मैं आपसे क्यों मांगता आप चेक कर सकते हैं मैं तलाशी ले ऐसे कमाते हैं 10 रुपए देते हैं यार ये आप कमा थोड़ी रहे भैया आपको तो बात करने का भी नहीं तरीका है मेरे मुंह से लाले कर रहे हैं भैया बात कैसे कर रहे हैं यार वैसे ही कर रहा हूं 10 रुपए दो भूख लगी है 10 रुपए से भूख लगी मैं वहां से जाके ले सकूंगा भाई पेट ना भी करना पड़ेगा 10 रुपए नहीं मैंने 10 रुपए ले लूंगा ले 10 रुपए आप बच्चे हो जाके कमाई करके लो नहीं मैं नहीं माशाल्लाह के भैया हमसे बड़े हो आप सेहत वगैरह देखो अपनी या कुछ कमाओ इस तरह मांग रहे हो यार पानी पी पी के जिस्म फुला हुआ है खाने को कुछ नहीं है 10 रुपए देना 10 रुपए दिए भूख लगी रोटी खाने थोड़ा मंगा कभी किसी रास्ता नहीं देता थोड़ा दाल कितों दिए भाई साढ़े असं आप देखो छोटे छोटे कपड़े पा रहे थे पूरे कपड़े नहीं है फिर भी 10-5 तो होने जा यार काम कर तेरी मेहरबानी तुसी ड्रामे बाजे तू तो गुस्सा ही कर रहे हैं रोटी ओ जा यार तू की यार गुस्से नहीं के और की तेरे पैरी हाथ लाए की करे मैं तो थोड़ी ना पैरी हाथ तो फिर जीव यार अपने आप को देखो शर्म आती है मतलब कि क्या यार तुम लोग बस अच्छी हमारी काम है नहीं चलो कम से कम काम तो करती है ना मैं भी काम ही करूं ओ यार जाओ यहां से काम नहीं है लानत है गदागदी लानत है एक लानत का मतलब समझते हैं आप बेहतर है मैं किसी डिजर्विंग बंदे को वो पैसे दूं चले भाई निकलते हो यहाँ से चले कोई पैसे नहीं हमारे पास निकले हाँ करें बहना क्या हो गया मैं आपका पर्स लेके भाग रहा हूँ तो नहीं है ना पैसे चले आप जाए यहाँ से हम खुद बहुत गरीब है आपके पास है हमें दे देना दे दे अल्लाह पाक आपको दुआएं दें यार अल्लाह पाक आपको कामयाब चलो अल्लाह भला करे आ जाओ आप चलो ठीक है जाओ यार फोन आपका बज रहा नहीं हेलो इधर भाई बात सुनना इधर यार आपको कह दिया ना नहीं है बता दिया ना आपको नहीं है होते तो दे देते माफ करें तो नहीं भूख लगी किसी गरीब का भला हो जाएगा तुम गरीब नहीं हमने गरीबों का भला करते अजीब बंदे हो इसे भेज देना तुम कमा लो इज्जत तो हो ना तुम्हारी कौन सा आईफोन उसका फोन उसके हाथ में मेरा मेरे हाथ में है Seriously? हाँ हाँ बोल मैं यार जॉब पे था आईफोन है उसके पास मैं तो कहती हूँ इसका लेके पास अल्लाह भला करे फोन आ रहा भैया भैया फोन के साथ आ रहा मेरा ये देखिए दस रुपये मांग रहा है एप्पल रखा हुआ पास इसने यार और तोड़ जाएगा या बता दे तुम्हें 10 रुपये दे दिया तुम्हें ਐਡਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਆਹੋ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੈ ਲੈ ਭਾਈ ਲੈ ਓਏ
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਓਹ ਹੈਲੋ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ भिखारी हो ना सीरियसली तुमसे तुम्हारे पास ना हमसे अच्छा फोन है शर्म करो उसे डूब के मर जाए यार डूब के मरने वाला मकान है तुम्हारी चुल्लू भर पानी में डूब मरो अरे मांग मांग के इकट्ठा किया ये सारा कुछ हाँ मांग मांग के इतने आजकल के फकीर भी एडवांस हो चुके हैं ना जनरेशन इज न्यू एंड फकीर इज ऑल्सो न्यू अरे किस्म के बंदे हो मैंने हिसाब लगाया क्या बनाएगा आपको फोन कर रही हूँ कहाँ गायब है क्या कर रहे हैं मैं कुछ नहीं बस थोड़ा सा काम कर रहा था किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर क्या कपड़े पहने हुए हैं मैंने काम नहीं कर रहे थे पैसे मांगने आए ये कौन है आप कौन है आप कौन है ये हम तो यहाँ बैठे थे ये हमसे पैसे मांग रहे हैं अरे बेबी क्या हो गया बेबी क्या ये मांग रहे हो हाँ ना क्यों आपने उसे मुझे कहा नहीं मैंने हार्ड डिस्क जाना है तो मेरे पास पैसे नहीं थे मैं इनसे मांग रहा था ये तुम्हारी क्या लगती है मेरी क्या लगती है गुस्सा कर देगी क्या पूछ रहे मेरी GF है बेबी ऐसे पैसे इकट्ठे करके मैं लेके जाना तो बेबी इतना खर्चा करवाती हूँ कभी खाटी से शॉपिंग करवाओ कभी यहाँ से शॉपिंग करवाओ तो मांगूंगा ही ना कहाँ से इतने खर्चे पूरे करो नहीं मैं उनसे थोड़े से पैसे तो ले लूं नहीं 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 अच्छा चल हुन बहस कर दिया एक मिनट ये आईफोन ही इहदे कोल पैसे मांगदा फिरदा है इधर आ ना गल सुन ओनू कॉल ते सुन लैंदे यार गुड हो गया वो बंदे को हाथ से जाने नहीं देना मैं आपको ना अभी आपके अकाउंट में 2,00,000 रुपए ट्रांसफर करता हूँ ओए 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 आप ना उसको वो दे दो और उसे बोलो कि यार ये हमने ना बिजनेस अभी दे पूरे आ यार इतने इतने बैठ साडे कोल ओए फकीर नहीं मेनू को नैब च लगदा 2,00,000 कदे किसे हल कदे किसे ट्रांसफर कर रहा ओए तो लखां दी गल्लां करन दे 10 रुपए मंगन दे ਉਹ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਾਇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣੀ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਰਿਓ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਪੈਸੇ ਖੈਰ ਸੀ ਪਾਇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਟਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇ ਨਾ 65,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਬਟਨ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਡੀ ਹੈਲੋ ਬੇਬੀ मैं थोड़ा सा बस ऑफिस का काम कर ऑफिस का ओ ने गर्लफ्रेंड एक ए बहन कौन है क्या कपड़े पहने हुए हैं जी ओए क्या कपड़े पहने हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है हमसे पैसे मांग रहा था क्या है हां इसने पैसे मांगे हमसे नहीं नहीं बेबी नहीं ये नाटक कर रहा था कह रहा था मैंने शेव करानी है 20,000 तो मैं बड़ा गरीब हूं बेबी मैं इनसे 10 रुपए मांग रहा हूं पैसे मांग रहे हैं इनसे हां साडे को पैसे मांग रहे हैं देखो पैसे मांग रहा था इनु रख के मारो एक नहीं यार बॉयफ्रेंड तुसी है तुसी बॉयफ्रेंड बनाया हां खुद ही तुम कहती हो मुझे कि मुझे खाटिंग से शॉपिंग करवाओ मेरी बिस्ती करवाने के लिए ना कोई जगह तुमने छोड़ी नहीं है वैसे कल मुझे कहा नहीं है कि हाइटी से मैंने बर्गर खाना तो पैसे ना मांगो नहीं है मेरे पास बर्गर खाने से लोगों से मांग के तो और क्या तुमने तो कह दिया था ना कि खिलाओ इनु छोड़ दे तू इनु दफा कर ये मांग रहा था बिल्कुल फकीर बना हुआ था और बाकी ये तो मांग रहा था आउट ऑफ योर माइंड हु आर यू वेट अ सेकंड हु आर यू योर जी मिस या आई मिस बुश क्या हुआ तुम्हें ठीक है हां बेटी तुमने कहा था हाइटी पे जाना था पैसे पे जा रहा था मेरे पास नहीं है ये पैसे मेंटल हॉस्पिटल इसका इलाज के मैं आपको मैं बता रही हूं 10 रुपए टिप मांग रहा था ये 10 रुपए हां सीरियसली 10 रुपीस अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिलाना ओ यार जाओ काम करो मैं खा रही हूं
कर क्या रहे हो? मैम देख, मैम देख। पैसे? बेबी? तुम कहाँ पे आ गई हो? बेबी? ओए बेबी। पानी लेने के लिए तुम पूरे तरह आ गए। तुम यहाँ कैसे बेबी? बेबी? मैं जरा थोड़ा सा ऑफिस बेबी कर रहा था। नहीं ऑफिस वर्क कर रहा था। क्या ऑफिस वर्क? आप दोनों एक ही तो सुना रहे थे अपने। हम दो हैं। आप दोनों मांगने वाले? नहीं नहीं यार मांगने वाले। तो ये क्यों मांग रहे? बेबी कह रही है। बेबी क्या हरकत है यार, फिर मांगने शुरू कर दी है। कब से मांगी जा रही है हमारे से? हमारे पास तो खुद नहीं है। हाँ समझाएं फिर कुछ। अरे बेबी क्या मजबूरी क्या है तुम्हारी ऐसी? मजबूरी ये है कि डेली क्या है कि हार्डिस जाना है, मैकडोनल्ड जाना है, केएफसी जाना है। नहीं है इतने पैसे तो मांग रहा हूँ उनसे। चलो अंदर। भाई आप तो बैठे हैं। नहीं नहीं भाई हमारी आपस की लड़ाई है। आप फिर मांगने लग पड़ी। इसको मैंने हार्डिस से शॉपिंग करवा दी।